छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 के लिए तारीखों का ऐलान आज भारतीय चुनाव आयोग ने कर दिया है। इसके साथ ही दुर्ग जिले में भी आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता लागू होने के साथ ही चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने और भय का वातावरण फैलाने के उद्देश्य से कई हिस्ट्री शीटर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसके साथ ही बड़ी मात्रा में अवैध शराब और बड़ी मात्रा में नगद नोटों की अवैध उपयोगिता को रोकने को लेकर दुर्ग पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने बताया कि दुर्ग पुलिस ऐसे मामलों को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है और आचार संहिता लागू होने के साथ जिले में कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। लोग लगातार हिस्ट्री शीटर्स की जो चेकिंग है वो तो कर ही रहे हैं, साथ साथ जो लोग अभी भी एक्टिवली बदमाशी कर रहे हैं या एक्टिवली अभी भी क्राइम में इन्वॉल्व हैं उनके विरुद्ध हम लोग प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ लोगों के विरुद्ध जिला बदर की का प्रस्ताव भी भेजा गया है कलेक्टर महोदय को, और एक बार अगर कुछ और गंभीर शिकायत आती है तो रासुका की कार्रवाई भी इनके विरुद्ध की जाएगी। लगातार हम लोगों ने इसके पहले नाकेबंदी करके कार्रवाई की है, जिसमें हम लोगों ने कुछ कैश भी पकड़ा था, चांदी का सामान भी पकड़ा था, और उसके बाद अभी भी आगे भी हमारी ये चेकिंग जारी रहेगी। साथ साथ FST और SST जो आचार संहिता के दौरान प्रभावी हो जाती हैं वो लोग लगातार 24 घंटे निगरानी रखेंगे हर एक विधानसभा क्षेत्र में, और प्रयास यही रहेगा कि किस तरह की कोई भी अवैध गतिविधि अपने जिले में न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़।